जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं सोम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप चंदौली से गाज़ीपुर कैसे जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी चल रहा है बरसात का टाइम, और इस टाइम पे चंदौली और गाज़ीपुर को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त पुल जो होता है वो पीपा पुल है, जो कि चोचकपुर में है। तो फिलहाल गंगा जी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो सब बंद हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ कि आप लोग ट्रेन के माध्यम से कैसे गाज़ीपुर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चंदौली से चले जाइए भट्ठी रेलवे स्टेशन पे, जो कि सगड़ढियाँ रेलवे स्टेशन भी इसको बोलते हैं, इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। और साधारण बोलचाल में इसे भट्ठी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह आपको 6:33 पे और 8:43 पे सुबह सुबह 3 ट्रेनें मिलती हैं। और अगर आपको शाम को जाना है तो शाम के टाइम भी 2 ट्रेनें आती हैं, जो कि एक करीब 3:30 बजे और एक 5:30 बजे करीब ट्रेन मिलती है, जिससे कि आप जमनिया उतर सकते हैं और जमनिया के बाद सीधे गाज़ीपुर जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार से गाज़ीपुर जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन सगड़ढियाँ से बैठ चुका हूँ, और ये है 6:33 वाली ट्रेन, जिसका नाम है दिलदार नगर एक्सप्रेस। और ये करीब करीब 6:33 या बहुत लेट होती है तो 6:35 तक आ जाती है, ये लगभग इसका फिक्स टाइम है। बाकी और तो पैसेंजर ट्रेनें लेट कराती हैं, लेकिन और अब मैं जमनिया उतर चुका हूं। और यहां आपको जमनिया रेलवे स्टेशन के बाहर आपको गाज़ीपुर जाने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। और जमनिया रेलवे स्टेशन से गाज़ीपुर का टोटल 60 रुपये किराया है। और ये आप देख सकते हैं, ये है बीर अब्दुल हमीद पुल। और ये ऑटो जो है वो आपको जमनिया मोड़ पे, यानी कि जो कि रोजा के नाम से फेमस है, वहाँ पे आपको छोड़ती है। फिर वहाँ से आप अपना जहाँ भी जाना हो वहाँ से आप ऑटो लेके जा सकते हैं। और फिलहाल मैं इस टाइम आ चुका हूँ लंका, और ये है लंका गाज़ीपुर का। और यहाँ से आपको ये बसें मिलती हैं, जो कि प्राइवेट बसें हैं, ये आपको बनारस लेके जा सकती हैं। और मुझे जाना है यहाँ से गोरा बाज़ार के लिए, जो कि मेरा पीजी कॉलेज है गोरा बाज़ार में। और आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ पीजी कॉलेज। तो कुछ इस प्रकार से आप सगड़ढियाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे गाज़ीपुर आ सकते हैं। तो फिर आप कुछ इस प्रकार से चंदौली से गाज़ीपुर आ सकते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कैसा रहा ब्लॉग। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।